मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, आज सहरी होगी, नहारी इस तरह बिकती है कि आपको तो चीमीस होता है मैनेजर, असली वर्ड कबाब, इंडिया में आके कबाब हो गया, वो कबाब से कबाबची हो गया, ना नवाब साहब के दांत गिरते ना उनका गोश्त खाने का दिल चाहता ना आज गलावटी मिलती। नो लूट ओनली फूड, मजा ना आए खाने में, रिपोर्ट लिखाए थाने में। यहाँ पर एक मशहूर दुकान है अच्छे भाई, अगर उनका पान इजाजत दे तो नहारी है गुड़े वाली। अच्छे भाई ने बताया इसको चाय से। ये जगत मामू है, मैं मुमानी भी मामू कह जाता हूँ। एक बड़ा मशहूर मकौला है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने लखनऊ में हों और वहाँ रिवायती खानों की खुशबुएं आपको मुस्तकिल टॉर्चर कर रही हों, तो फिर ग्लोबल सेंटर का कैमरा कहता है कि मुस्कुराइए और खाइए, आप लखनऊ में हैं। महीना है रमज़ान का और वक्त है सहरी का। पुराने लखनऊ में आज सहरी होगी, रिवायती अवधी खानों के साथ होगी, कुछ देर इस हुसैनाबाद की खुशबुएं ली जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे अकबरी गेट, अकबरी गेट पर रहीम पर जाएंगे, मुबीन पर जाएंगे, बिरयानी खाएंगे, बहुत कुछ होगा। तो इस सहरी में साथ रहिएगा और सारी खुशबुएं आप तक यूं ही पहुंचती रहेंगी। हम खूब मुस्कुराएंगे और खूब खाएंगे क्योंकि हम लखनऊ में। आइए मैम, यहाँ पर बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं, वहाँ से मोमो चले, यहाँ पे चिली पोटैटो आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोपी वोपी सब संभाल लिया आपने। अच्छा मूछे भी कलफ लगा लीजिए इनको। इस ईरानी दमटी को देखकर निमरा कैफे की थोड़ी सी याद आई, खुशबू जो है निमरा कैफे जैसी यहाँ पर भी आ रही है। भाई साहब एक चाय दे दो हमें भी। कहाँ से टोकन लेंगे? शुक्रिया शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, एक चाय मिल लीजिए भाई साहब। शुक्रिया। लो जी साहब देना आप चाय हमें। नौ चाय आपका। एक चाय है बगैर मलाई की देना। ये लीजिए भाई बिना मलाई का चाय है तो दमदार चाय तो अच्छी है। जो दम टी हैदराबाद में पी थी वो अलग थी, जो यहाँ पी रहे हैं वो अलग है, वो वहाँ अच्छी लग रही थी, ये यहाँ अच्छी लग रही है, इसको पीते हैं और आगे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है कबाबची, और वहाँ क्या क्या आइटम्स मिल रही है, मुझे काफ़ी पहले किसी ने सजेस्ट किया था कि इसको ज़रूर कीजिएगा, तो एक बार देखते हैं अंदर से। घंटाघर की तरफ से हुसैनाबाद में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे ईरानी दम टी और उसके बिल्कुल सामने कबाबची नज़र आएगा। कबाबची कबाबची क्यों बना मुझे साफ बताएंगे। खाब अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैर मकदम हैं। और कबाबची का एक्चुअल जो मतलब है वो चीमीस होता है मैनेजर, तो कबाब को जो मैनेज करता है, पुराने ज़माने का वर्ड है, पर्शियन वर्ड है कबाबची, असली वर्ड है केबाब, तो इंडिया में आके कबाब हो गया, वो कबाब से कबाबची हो गया। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के कबाब हैं, संभल कबाब, काकोरी कबाब, पसंदा कबाब, भुटुआ कबाब और बहुत मुख्तलिफ कबाब हैं। कबाबों का जाल भी इंडिया से लखनऊ से हुआ, ना नवाब साहब के दांत गिरते ना उनका गोश्त खाने का दिल चाहता और ना कबाब बनते, ना आज गलावटी मिलती, ना आज गलावटी मिलती। तो इसलिए कबाबों का सिलसिला लखनऊ से शुरू हुआ और दुनिया तक पहुंचा है, और कबाब इंशाल्लाह हम खिलाते रहेंगे। सर हमारी ब्रांच है अलीगंज कपूरथला में भी है, पुरानी हमारी यही है, आप खड़े हैं यही पुरानी। जी जी जी। तो मेरे ख्याल एक प्रीव्यू ले लेते हैं कबाब का आपके। डन डन डन, मुझे खिलवाऊं जी प्लीज। अगर सिर्फ कबाबों पे पूरा बिजनेस चलाया जाए तो उसको कबाबची कहते हैं। जनाब फराज जी, सर ये क्या क्या बना रहे हैं आपके? हमने तैयार कर दिए हैं, ठीक, संभल कबाब, काकुरी कबाब, मलाई टिक्का है, चिकन टिक्का है, बर्रा आ गया, ये रोस्टेड है, और ये हमारे पास संगली है चिकन की, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि किसी को मसाले ही नहीं मालूम है ढंग के, कहाँ से बेचेंगे, इसीलिए हम कहते हैं आप आइए मेरे पास, नो लूट ओनली फूड पहली बार, और मजा ना आए खाने में, रिपोर्ट लिखाएं थाने में, नाना खाएं और नानी गुस्साएं और उसके बाद मेरे पास आए, क्योंकि जब सब गुस्सा रहे तो मेरे पास आ जाइए खाने, और बहुत बढ़िया टेस्ट होगा। ये कबाबची रेस्टोरेंट पूरा नया हो गया है, मगर टेस्ट जो है पुराना है।
चलिए, तो आपकी ये रंग बिरंगी भट्टी बड़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। अलग अलग शेप, अलग अलग जिसामत, अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू की चीजें लगी हुई हैं। और अगर आपको मजा ना आए तो फिर मैं कह रहा हूँ मजा ना आए खाने में रिपोर्ट लिखा दिएगा थाने में। ठीक है जी, बेशक। काम कहाँ से सीखा? हमने काम कहाँ से सीखा? तो ये पंछियों से पूछा तोड़ना कहाँ से सीखा, मछलियों से पूछा तैरना कहाँ से सीखा। खानदानी काम है? हाँ, मतलब खानदानी काम तो नहीं। डैडी हमारे, मतलब हमारे वालिद है, वो एक्चुअली BUMS डॉक्टर है, यूनानी शेफ है। अच्छा। और वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता दुनिया में दूसरा कोई ऐसा डॉक्टर है जो डॉक्टर से शेफ बना। वो कहते हैं दुनिया में खाना गलत बन रहा था, मैं उस खाने को ठीक करने निकला। अरे वाह, यूनानी डॉक्टर शेफ बन जाए और वो लखनऊ का हो, तो फिर वो कहाँ उसके खानों के मयार चले जाएंगे, हमारी टेबल बताएगी। ये हमारा चिकन अंगारा टिक्का है, ये चिकन काकोरी कबाब है, ये हमारा संभल कबाब है जो मुरादाबाद का संभल वेस्ट दरदरा खीमे का खाया जाता है। लखनऊ नफासत का शहर है तो यहाँ सारे मेल्टिंग कबाब है। हमारी स्पेशलिटी संभल है, ये आपका जो है अफगानी टिक्का है। लखनऊ के इस हैपनिंग से प्लेस पे यानी हुसैनाबाद में हम कबाबची पर बैठे हैं। सहरी का वक्त है और हमारे सामने कबाबची के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बड़े नुस्खों से भरे हुए हैं, बड़े जायके भी होने चाहिए। जायके जबान बताएगी। यह है चिकन रेशमी। अब आप बताइए उसके बाद कैसा है? नो वर्ड, स्पीचलेस। थैंक यू सर। सच में, मतलब मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, क्या कहा जाए यार, इतना हसीन चिकन कबाब सच में पहली बार खाया। चिकन की और मसालों की हमेशा से मेरा ये मानना है कि एक तजाद रहता है, लड़ाई रहती है। यहाँ वो अमन पसंदी से इस एक कबाब के अंदर आपके मुंह में आ जाते हैं। अगला कबाब लेते हैं, ये इनका काकोरी है, बहुत ज़बरदस्त है यार, चिकन का तो ज़बरदस्त है। ये इनका संभल वाला कबाब, थोड़ा इसका टेक्स्चर अलग होता है। अगर देखते हैं, कहते हैं कि ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है, अगर नाम अलग है तो जायका अलग होना चाहिए, पर ऐसा ही है। इनका अफगानी है, इसका पासपोर्ट चेक करते हैं, बहुत सॉफ्ट है, मलाई जैसा है, ये कमाल है। इस आखिरी निवाले में पहली बार मैंने किसी चटनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चीज़ें अपने अंदर कंप्लीट होती हैं तो चटनी अचारों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ कमाल हो रहा है भाई। बापची से एक दुकान छोड़कर आपको नजर आएगा हांडी नहारी। हांडी नहारी क्या कहती है? हांडी नहारी इस तरह बिकती है कि आपको तांबे की हांडियों में पकाया जाता है। अच्छा। उसके बाद रात भर पकती है, तो दिन में इसकी तैयारी करी जाती है। क्या बात है, शाम में 4 बजे से दुकान लगती है, दुकान के बाद भी हमारे वहाँ चलता है। अच्छा अच्छा, सही है। अस्सलाम वालेकुम, आप चलाते हैं ये हांडी नहारी? अब ये हांडी नहारी का कंसेप्ट क्या है सर? ये पुराने ज़माने में जो है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करते थे, खिलाया करते थे जी। वही एक पुराना लखनऊ का अंदाज, लखनऊ और दिल्ली में फर्क है, नहारी में बहुत ज़्यादा फर्क है जी। तो वो नहारी मानते हैं, इसको नहारी मानते नहीं, हम लोग तो लखनऊ वाले हैं और लखनऊ वाली नहारी मानेंगे। हमारे ये फॉर्मेट सर, दिल्ली में जो गूदा निकाल के देते हैं, हम गूदे में ही, नली में ही गूदा होता है। आप इसी तरह से देते हैं साबुत? इसी में साबुत देते हैं कि कस्टमर जो है भरोसा रखे कि हाँ ये ओरिजिनल है। भाई वाह, क्या बात है। ये हमारे यहाँ नली नहारी, लखनऊ की नली नहारी, लखनऊ की नली नहारी, थोड़े हरे से और इसमें मेरे ख्याल में हल्दी वगैरह भी डालते हैं। बिल्कुल प्योर हल्दी का इस्तेमाल होता है हमारी नहारी में। हमारे यहाँ हल्दी का इस्तेमाल होता है। सबकी नहारियाँ अलग हैं, सबकी बिरयानियाँ अलग हैं जी। और गोश्त की नहारी है? ये गोश्त की नहारी है। ये मटन नहारी का बेटा क्या लगा है? एक मटन नहारी बहुत शानदार सी निकाली है। रमजान में टाइमिंग रहती है यहाँ पे शाम को 5:30 बजे से लेके और सुबह सहरी में 4:30 बजे तक के, आम दिनों में 12:30 बजे तक। चलिए, और ये मट्टी में आपने इसको करके और ज्यादा सौंदा कर दिया है। ये मटन है जी लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय सैयद जॉन हुसैन। क्या बात है, सैयद जॉन हुसैन साहब। जॉन एलिया तो सुना था नहीं, हम सैयद जॉन हुसैन। हमारे क्या रहता है मटन सॉफ्ट, बहुत एकदम सॉफ्ट और फ्रेश। चलिए ठीक है जॉन साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लखनऊ के पाटा नाला जहाँ इदरीस बिरयानी भी है, उसके साइड में अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक मशहूर दुकान है अच्छे भाई। अच्छे भाई गिरदे बनाते हैं, गिरदे क्या होता है आपको दिखाता हूँ। ये पाए की नहारी है, गुर्दे वाली। अच्छा जी, गिरदा लगा तो गिरदे आप मुझे बताइए होता क्या है? गिरदा अलग होता है और उसमें मटेरियल होता जाता है। नहीं क्या मतलब, नान होता है? नहीं, नान नहीं होता है, अलग होता है। एक गिरदा लगाओ जो घरों में जैसे बनाता है वैसे ही, क्योंकि ये कम कारोबार की तरीके कभी इन्होंने जो है ऐसे नहीं किया, बहुत जो है साल भर बेच रहे हो या वैसे जो है। गिरदे और नहारी होती है? गिरदे और कुचे भी होते हैं, लेकिन गिरदे और नहारी इनकी स्पेशलिटी है। तो ये बड़ी पतली सी गली में अंदर खामोशी से बैठे हुए हैं। अच्छे भाई, किसने रखा नाम आपका? मेरा नाम है गुफरान अहमद खान, बड़ा है
बचपने से गली का, तो छह भाई था, बड़ा छोटा छह भाई का, तो वो आपको अच्छे भाई कहते थे जी, तो वही मशहूर हो गया अच्छे भाई से। मैं दादा के बाद वालिद साहब करते रहे, भाई भाई करते रहे, अब हम फिलहाल थे मेरे ख्याल में 70-80 साल 70 साल हो गए। आप किसी भी मशहूर खाने की उम्र देखें तो वो इतनी ही निकलती है। गिलाफी कुलचा, गिलाफी कुलचा जी। इसमें आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध को ये हाथ लिया और छिड़काव इसका होता है, तो गिरदा बनाएंगे भाई। वाह, ये आए कुलचे आप, गिलाफी कुलचे। ये जो गिलाफी कुलचे हैं ये लखनऊ के लाजवाब होते हैं, ये आप किसी भी चीज़ के साथ खा लीजिए, इसको रूखा खा लीजिए, ये बहुत खूबसूरत इनका जायका होता है, बड़ा अच्छी इनकी क्रिस्पी सी ये क्लियर होती है। ये गिरदा बना साहब, ये है गिरदा, इसमें क्या तब्दीली है उसके मुकाबले? स्पेशल होता है एकदम प्योर घी दूध का, इसमें लागत उससे ज़्यादा आती है। दूध का छिड़काव तंदूर पे किया, उसके बाद इसको वो तंदूर दे दिया। ये इनके गिरदे हैं, इसका मटेरियल अलग होता है, इन्होंने ऐसा बताया। अच्छा जी, यहाँ गिरदे बनाए जाते हैं, नहारी बनाई जाती है, यहाँ गिलाफी कुलचे बनाए जाते हैं। ये भी गिलाफी है ना ये? अच्छा, इसमें ये लेयर अलग है और ये लेयर अलग है, ये दो अलग अलग मटेरियल इसमें लगाए जाते हैं, और इसके बाद ये इसकी फाइनल शक्ल नज़र आती है, बड़े सुनहरी से, बड़े खूबसूरत से होते हैं, ढेर सारे इस तंदूर के अंदर लगे हुए हैं, और इससे पहले तंदूर पर छिड़काव किया जाता है दूध का। ये है नवाबी खाने, निकला गिरदा। क्या है साहब? नहारी है ये, पाए वाली, पाए वाली। यहाँ पाए की नहारी अलग होती है। अच्छा, ये नली 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 का गूदा, हाँ जी, नली का गूदा आ गया, ऊपर से थोड़ा सा रोगन आएगा और ये प्लेट कंप्लीट हो गई। ये पाए की नहारी है। अच्छा, वो अस्सलाम वालेकुम, बात के चक्कर हुए कि थर्सडे को मैं शरबती की नहारी खा के आया था, सिर्फ आपका वीडियो देखा मैं। शिवरात्रि की नहारी कैसी लगी आपको? वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चे अपने बड़े हुए हैं, कब गए थे आप? मैं थर्सडे, लास्ट थर्सडे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आपका वीडियो ही कहीं पे, करीम की तैयार नहीं थी जी, करीम की रेडी नहीं थी जी, उसको नहाने के अलावा बिल्कुल से चाय से, मलाई से, दूध की बर्फी से, मक्खन से, सब चीज़ों चलता है साहब। ये है गिरदा जिसके लिए हमने यहाँ पे इनकी दुकान पे आने की बात हुई। मुझे अच्छे भाई ने बताया इसको चाय से, दूध से, मक्खन से, नहारी से, इस चीज़ से भी खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन हम इसको रूखा ट्राई करेंगे, इसको पूरा हक देंगे कि ये अपनी बात हमसे कह सके। बहुत तर है, बड़ा ऑयली सा है, जो नॉर्मल गिलाफी कुलचा बनता है उससे डबल कीमत का है, इसमें लागत ज़्यादा होती है, टेक्सचर भी अलग है, बहुत गर्म गर्म सा है। ऐसा गिरदा खिलाएंगे तो कोई बोलने लायक बचेगा क्या? ज़बरदस्त है, हल्का सा नमकीन, गर्मा गर्म, सस्ता, करारा, अंदर से थोड़ी सॉफ्टनेस भी है, अंदर ढेर सारा घी महसूस हो रहा है, मेरी उंगलियों पर भी काफ़ी घी आ रहा है। ये मेरे ख्याल में आप एक पूरा रूखा खा लें तो आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ज़बरदस्त है, 40 रुपये में ये माल है। आगे चलते हैं। आपके इस अमल से अच्छे भाई ने ऐसे एक्शन दिखाया, मुझे लगा अच्छे भाई बुरे हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं अकबरी गेट पर। अकबरी गेट का इलाका ये पुराने लखनऊ का वो इलाका है जहाँ जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे खुशबुओं की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बारबेक्यू के धुएं ज़्यादा होते चले जाएंगे, जायके आपके दिमाग पे, दिल पे, आसाब पे सवार होते चले जाएंगे। रहीम कुलचा नहारी के बाहर खड़ा हूँ, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, वक्त रात के 1:45 बज रहे हैं, यहाँ रौनक ऐसी लगी हुई है जैसे शायद शाम के 7 बजे। अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं जी। वही गिलाफी कुलचे, और इसी के साथ यहाँ पे नहारी खाने का रिवाज है। यहाँ पर ये दूध रखा हुआ है, इसको दूध को छिड़कते हैं तंदूर के अंदर। चले जी, ये बिरयानी आ गई, और क्या क्या रखा हुआ है? ये नहारी है, ये पाए वाली है या गोश्त वाली है? अच्छा, एक ही जैसा जायका होता है? अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है जी। ये पाए की नहारी है, ये गोश्त की नहारी है, वहाँ बिरयानी रखी हुई है। रहीम कुलचा नहारी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, रात के 1:45 बज रहे हैं, सहरी का वक्त है, और यहाँ ये रौनकें लगी हुई हैं। इस कदर ये बाज़ार इस वक्त जवान है, ऐसा लगता है जैसे बस अभी शाम हुई हो, आधी रात हो चुकी है। और आगे चलते, भीड़ बेइंतहा है, नाम कोई लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, बस ये जो हजूम लगा हुआ है इससे इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ किया जा सकता है। कोशिश करूँगा इनसे एक दो बात कर सकूँ, वैसे हैं बहुत बिजी। ले लो भाई, ले आया।
अफजाल बिरयानी अकबरी गेट। अफजाल बिरयानी रमजान रमजान के अलावा भी चलती है जी, 12 मास 12 महीने चलती है, 80 से लेके रात के 1 बजे तक आम दिनों जी, और रमजान में ये शहरी तक चलता है, रमजान में 80 से शहरी तक। आप ही बनाते हैं? जी हम ही बनाते हैं, हम ही बेचते हैं। क्या बात है भाई, प्लेट का हिसाब रहता है जी? 50 रुपए की, 50 रुपए 50 रुपए की हाफ प्लेट। अच्छा जी, अफजाल भाई बिरयानी वाले जो हैं बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, इनसे हम बात ज़्यादा नहीं कर पाए, दंदारी का वक्त है, बे इंतहा हजूम है, जल्दी भजा ना। जो तो हराबी बना लेता है जी जी, जो ये रायता डाल देना जरा, ये दे आपको, थैंक यू, क्या बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देख बदलने का वक्त आ गया। अच्छा जी, ये इधर आई और ये दूसरी देगा, वो यहाँ सवार हो जाएगी। बड़ा बड़ा सलीम भाई आगे, कोफ्ते खाली रमजान में लेते भाई, ये कोफ्ते भी इसमें पड़े होते हैं, ये बफेलो की बिरयानी है। वाह भाई, अफजाल भाई जी भाई, मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, मसरूफियत बहुत है, कोई बात नहीं भैया, हम ये यहाँ कम से कम 32-34 साल से लगा इसी जगह पर, डैंड दो है मेरी, उम्र हो जाती है लोगों को, जायके सर्व करते करते हमारे लिए ये जायका एक प्लेट में साइड में आ चुका है, बहुत देर से ये इंतज़ार हो रहा है, इसको खा कर देखते हैं और फिर इस बाज़ार में और गहराइयों में उतरते हैं। खासियत ये इन्होंने बताया कि ये सिर्फ रमज़ान में इसके अंदर ही छोटे छोटे से कोफ्ते डालते हैं, ये स्पेशली रमज़ान के लिए होता है, बाकी चावल बारीक खुशबूदार लंबा सौंधी सौंधी सी बिरयानी जो लखनऊ में होती है, बिस्मिल्लाह करते हैं, कमोबेश हर जगह एक सटीक टेस्ट है, एक नमकीन बिरयानी जो आपको यहाँ पूरे लखनऊ में इस अवधि बेल्ट पे यही बिरयानी हर जगह मिलेगी, इसी की एक फॉर्म हमने आपको कभी इदरीस बिरयानी भी दिखाई थी, बिरयानी बहुत अच्छी है, जिस अंदाज से बिक रही है आपको वैसे भी इसके टेस्ट की डेंसिटी का अंदाज़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा बहुत और खाते हैं आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? यहाँ पर ये लखनऊ ग्रिल्स, मैंने कई जगह टर्किश कबाब बना रहे हैं, ये टर्किश कबाब लगे हुए हैं, टर्किश कबाब की शक्ल है, ये जायका भी अलग है, जायका भी एकदम अलग है, ऑल ओवर लखनऊ कहीं नहीं है ये टर्किश कबाब, बस तो फिर एक टर्किश कबाब ही लगाइए, बस वही खा के देखते हैं आपका जो स्पेशल है, ऑल ओवर लखनऊ कहीं नहीं है ये टर्किश कबाब, जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई एक टर्किश कबाब ही लगा कर दिखा दीजिए, बस उस पर ही सारे फैसले हो जाएंगे, लखनऊ ग्रिल्स हमसे क्या कहते हैं। अरे साहब आमने सामने बात होगी, आप बैठिए, असल में फ़ैन का जो लफ्ज़ है ना, वो फ़ैन तो मैं कहता हूँ आप मोहसिन हैं हमारे, फैन नहीं, आप अपनी अल्फाजों के लिए तो जाने जाते हैं, वीडियो मदीना मनोहर है कि बड़ी अच्छी लगी मुझे आप, शुक्रिया शुक्रिया। अभी मैं सोच रहा था कि कुछ शराफा बैठे नजर आ रहे हैं, मैं बात करता हुआ जाऊंगा, ये तो रोज का मामूल होगा आप लोगों का यहाँ पे, खास कर तीसरे दिन तो हम लोग को बैठना है, रमजान ये रौनक ऐसी चलती रहे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप तो बड़े पर्दा नशीन से अभी दिखे हैं। ये हम लोग के जो है मामू कहते हैं हम लोग प्यार से, अच्छा। वैसे इनका नाम आसिफ है, ये मामू जो जगत मामू हो जाते हैं ना, ये जगत मामू ही है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, वो कभी कभी रवानी में मुमानी भी मामू कह जाती है। ये आपका चिकन टिक्का लग रहा है, बड़ा मसालेदार टिक्का है यार आपका, चिकन टिक्का हमें बताया कि ये मुश्किल ही आपको कहीं और मिलेगा, खाकर देखते हैं, शक्ल तो टर्किश कबाब जैसी लग रही है, बाकी खाकर देखते हैं कि जायका कैसा है, इसका जो टेक्सचर है वो टर्किश कबाब जैसा ही है, लेकिन ये चिकन में है, ओवरऑल अच्छा लगा, इसके अंदर कुछ जो हरा धनिया उन्होंने ढेर सारा डाला है वो अपना स्पार्क दे रहा है, ओवरऑल ये टर्किश जो है लखनवी है, बस इतना फ़र्क है। तो अकबरी गेट पे जब आप अंदर की तरफ थोड़ा ढलान की तरफ आएंगे, आपको दाऊद बेसन रोटी का एक छोटा सा काट नजर आएगा, उसके साथ एक गली है, उस गली में वो शाहिद बिरयानी है जो आज हमें यहाँ तक लेकर आई, सुना है कि बहुत अच्छी बिरयानी बना रहे हैं, लखनऊ है वहाँ पर आपको कम मिर्च मसाले सौंधी बिरयानी ये सब चीज़ें मिलेंगी, मेरे ख्याल में कुछ खास चीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये है वो शाहिद बिरयानी, भाई है ख़त्म है बिरयानी, चलिए शुक्र है, हम थोड़ा लेट हो गए, बज रहा है 2:15, चिकन की बची है, कोई बात नहीं चिकन से ही काम चला लेंगे, कहाँ है ये है साहब वो अल मशहूर शाहिद बिरयानी। ज़्यादा ही लेट हो गया यार, चलिए
तो चिकन की बिरयानी को आज इस शहरी का हिस्सा बनाते हैं और शहरी को चिकन बिरयानी का। इसके साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ उन चाबियों से जिनसे आज कई ताले मैंने खोले। बात करते हैं टेबल के ऊपर। भाई वक्त किसी का मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका वक्त शाम से मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो जो है मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ और जाहिर सी बात रमज़ान सीरीज़ के लिए कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है। आजकल फ़िक़दान है फ़र्ज़ शनासों का, तो बड़ी अच्छी बात है। लखनऊ में बिरयानियाँ मशहूर हो जाना बहुत ख़ास बात भी है, बहुत आम बात भी है। आपकी बिरयानी ख़ासों में आती है? बेशक, अभी दम बिरयानी है जिसे बोली जाती है दम बिरयानी। हाँ दम, ये वही बिरयानी है, नीचे गोश्त लगा के उसके बाद अखनी डाल के ऊपर से चावल का तह लगा के देसी घी है केवड़ा गुलाब की छिड़काव दे के उसमें बनाई जाती है। बड़ी ही आसानी से बड़े हल्के अंदाज से आपको बता दिया कि यूं करके बना दी जाती है। ये अवधि बिरयानी इतनी नखरे वाली चीज़ है, ये इतनी मेहनत मांगती है, इतनी इसके अंदर नज़ाकतें हैं इसकी रेसिपी में। मैंने आपको एक बार इदरीस बिरयानी का पूरा प्रोसेस दिखाया था, वही बिरयानी शाहिद बिरयानी पे आज हम खाएंगे। देखते हैं कि ये भी आखिर क्या वेटेज रखती है, किस लिए इसका जायका हमारे कानों तक आया। बात करते हैं उससे। इनकी मटन में भी होती है, चिकन में भी होती है, साथ में है इनकी चिकन चाप। चिकन के चापे किस तरह बनाई है ये अभी अकल हैरान है। ये आ गया इनका चिकन मसाला। चिकन मसाला में क्रीम और काजू नुमाया नजर आ रहे हैं, साथ में ये लच्छा पराठा और ये रोटियां। शाहिद भाई यही हैं, जो नाम है वो इन्हीं का है, बिरयानी यहाँ रखी है तो यूं मिलके बनता है शाहिद बिरयानी। एक बोटी तोड़ते हैं और ये चावल जरा नीचे से गर्म से निकालते हैं। चावल बारीक है, लंबा है, पतला है। अकबरी गेट पर है, लखनऊ में है, हाथ में अवधि बिरयानी का निवाला है। बिस्मिल्ला करते हैं। ये जो बिरयानी है उसकी अगर डेफिनेशन आपको बताया जाए कि क्या जायका है तो मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कुछ खुशबुएं, भीनी भीनी सौंधी सौंधी सी, बारीक नरम चावल, गला हुआ गोश्त और ओवरऑल एक नमकीनियत, एक सौंधापन, ये है अवधि बिरयानी। ये सारी चीज़ें इसके एक निवाले में आपको एक पल में पता लगता है। चिकन चाप, ये तो मेरे ख्याल में ड्राई खाई जाती होगी, तो ये इन्होंने कुछ खास प्रोसेस करके बनाई है। ये किस तरह से बनाई है एक निवाला खा कर देखते हैं क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह। जब तक हम अपने शहर में रहते हैं हमें लगता है यही जायके हैं, शहर से दूर जाते हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ लोग क्या बना रहे होते हैं वो आपको हैरान कर देता है। इंतहाई मुख्तलिफ चीज़ है, वो अच्छी है, क्रिस्पी है, मसाले टोटली अलग हैं, चमकीले हैं, नुमाया हैं, एक डेफिनेशन है, कुछ सोच समझ के सेट करी गई है। जल्दी से आते हैं इस चिकन मसाला पे। ये चिकन मसाला हम लेंगे इस लच्छा पराठे से और साहब ये शाही अंदाज से चिकन मसाला और इसके अंदर कुछ काजू, कुछ क्रीम्स वगैरह पड़ी हुई हैं। बड़ी रिच सी कोई डिश है, खाकर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। पकड़ में नहीं आ रहा किसकी तरह का है ये पकड़ में नहीं आ रहा। एक पल में लगा कोरमा, अगले पल में लगा शायद स्टू है, उसमें लगा कुछ थोड़ी बहुत खटास कढ़ाई की भी आ रही है, फिर वापस कोरमे की मिठास आई तो मैं घूम गया। इसका मतलब ये है कि ये जायका भी एक नया जायका है, खाने लायक है। जी, तो अकबरी गेट के बड़े मशहूर नामों में से एक नाम ये मुबीन साया भाई। हमारी फैमिली भी कई सालों से यहाँ लखनऊ में रेस्टोरेंट चला रही है और हमारा भी खानदानी काम है। हाँ। आपने बताया अकरम भाई का दानेदार वो अल जवाहर का कोरमा, जी मैंने वो खाया। ये चिकन कोरमा है? ये चिकन कोरमा। आपने जावेद भाई की नहारी बताई, मैंने वो खाई। मटन नहारी है? मटन नहारी है। आपके पेज पर पड़ा हुआ था मोहम्मद दीन सामा की नहारी कुरैशी मोहल्ले में, जी 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 जी, मैंने वो जाके खाई। यकीन मानिए जहाँ जहाँ आपने दिल्ली में बताया हुआ था एज ए फूडी, मतलब ये नहीं कि मैं मुबीन का मालिक, जी जी, मैंने खाया और यहाँ जहाँ गए और जिस तरह से आपने डिफाइन किया मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ मैं सही जगह गया। क्या बात, मैंने लाजवाब खाया। यकीन मानिए आपका तलफ्फुज़ पसंद आके बोलने का जो स्टाइल है वो लाजवाब है, मजा। इस बार आप दिल्ली आएंगे तो मुलाकात जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर। यहाँ क्या चल रहा है जी? शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा। ये क्या है, बड़े अलग रंग की फिरनी है साहब आपकी। ये रबड़ी, ये इसको क्या कहते हैं आप? इसको फैन भी, समोसा नहीं बोलते हैं, ताफ्तान, ताफ्तान। ये इसमें क्या ईरानी दमटी है? नहीं नहीं, ये कश्मीरी थी भाई मेरा। अच्छा अच्छा, तो हम कहाँ पियेंगे? यहीं पर, यहीं पर। अच्छा चलिए साहब, लगाइए कश्मीरी चाय लगाइए। अच्छा जी, ये गुलाबी सी चाय इन्होंने निकाली, इसको कश्मीरी चाय कहते हैं। कश्मीरी चाय कश्मीर में हमने पी थी, वहाँ ये नमकीन होती है, यहाँ ये मीठी, यहाँ ये थोड़ी सी मीठी होती है। सोचा कि शहरी जो है वो एक खूबसूरत सी, समझ लीजिए कि मक्ते का बंद है, वो ये गुलाबी रंग की चाय होनी चाहिए, कश्मीरी चाय है, यहाँ इसका चलन है। अब ये थोड़ी सी कश्मीरी तो है लेकिन लखनवी बन गई है। बिस्मिल्लाह करते, गुलाबी पत्ती होती है साहब इसकी, ये कमाल है और इस कमाल को हम थोड़ी देर जिएंगे, उसके बाद आपसे आखिर में सलाम करके घर चले जाएंगे। हुसैनाबाद से लेके अकबरी गेट तक का ये था आज का हमारा शहरी का वीडियो। हम लखनऊ में हैं, हमने आज शहरी करी, कल एक ख़ास इफ्तार होगा वो आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल यहाँ पुराने लखनऊ से मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
साहब जो नीचे पकौड़े तले जा रहे थे ऊपर इन टब्स में लाकर रख दिए गए, के बाद आखिर में इनकी प्लेटिंग होगी। ढेर सारी प्लेटें यहाँ रखी हुई हैं, तैयारियाँ कुछ यहाँ हो रही हैं, कुछ सामान इनके घर में ऊपर बनता है। दादा के टाइम से चलता चला रहा है ये अफ्तार का निजाम। अफ्तारी है, अमीनाबाद में है, मुगल जायका पर है, तो फिर इस अफ्तारी में भी साथ रहिएगा।